हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में। इसके हमने सेवन पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम एट्थ पार्ट करेंगे। एट्थ पार्ट में हम जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रोड्स। ठीक है, जो इंडियन रोड्स हैं उसको हम कितने टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले भी हमने लेक्चर्स में जो रोड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन देखी थी, नॉर्मल क्लासिफिकेशन, लेकिन हम अब इंडिया में जो रोड्स यूज होती हैं उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इंडिया में जो रोड्स यूज होती हैं उनको हम दो तरीकों से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है रूरल रोड्स, और हम बोल सकते हैं नॉन अर्बन रोड्स, एंड सेकेंड आ गई अर्बन रोड्स। ठीक है, तो दो टाइप की रोड हैं, दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, एक है रूरल एक है अर्बन। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल और नॉन अर्बन रोड्स की। ठीक है, रूरल को हम नॉन अर्बन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ डेफिनेशंस है वो हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। तो अगर जैसे कि मैं पहले आपको बता दूं, रूरल होता है जो गांव वगैरह में जो रोड्स होती हैं उनको हम रूरल रोड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास अर्बन रोड्स की बात करें, जो सिटीज वगैरह मेजर सिटीज की रोड्स जो होती हैं उनको हम अर्बन रोड्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं वो हम आगे सारी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रूरल एंड नॉन अर्बन रोड्स की। ठीक है, रोड्स विच इज लोकेटेड इन द नॉन अर्बन एरियाज कनेक्ट सिटीज एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो मतलब ये जो रोड्स होती हैं, रूरल रोड्स और नॉन अर्बन रोड, ये कहाँ पे लोकेट होती हैं? नॉन अर्बन एरियाज में। ठीक है, नॉन अर्बन एरियाज कौन से हो गए? जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनको छोड़ के जो भी एरियाज हैं वो नॉन अर्बन में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो रोड्स हैं ये किसको कनेक्ट करती हैं? सिटीज एंड टाउन्स को कनेक्ट करती हैं। पूरी जो कंट्री है उसमें जितनी भी सिटीज और टाउन्स हैं उनको ये कनेक्ट करती है। लेकिन ये जो मैंने वैसे ही बताया आपको कि रूरल रोड्स क्या होती हैं, जो रोड जो है मेजर सिटीज के बाहर होती हैं जो रोड्स, उनको हम बोलते हैं रूरल और नॉन अर्बन रोड्स। ठीक है, और ये जो हम बात करें इसकी जो क्लासिफिकेशन है, नोन एज IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। ठीक है, IRC क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, जो ये क्लासिफिकेशन हमने की है रूरल एंड नॉन अर्बन रोड की, ये है IRC क्लासिफिकेशन। IRC मतलब इंडियन रोड कांग्रेस क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले जो नॉन अर्बन रोड्स हैं वो हमारे पास फाइव कैटेगरीज में अगेन क्लासिफाई की गई हैं। जो नॉन अर्बन रोड्स हैं इंडिया में वो IRC ने क्लासिफाई की। ये भी क्वेश्चन आ सकता है हमें एग्जाम में कि जो नॉन अर्बन रोड्स हैं तो वो किसने क्लासिफाई की है, किसने इसकी क्लासिफिकेशन दी है, तो वो आप बोल सकते हैं IRC ने, इंडियन रोड कांग्रेस ने। ठीक है, इसने इंडियन रोड कांग्रेस ने नॉन अर्बन और रूरल रोड को डिवाइड किया है पांच कैटेगरीज में। पांच कैटेगरीज कौन कौन सी है वो हम देखेंगे, जो हमने पीछे भी देखी थी, जैसे नेशनल हाईवे, मैंने यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने देखी थी नेशनल हाईवे देखी थी, स्टेट हाईवे देखी थी। ठीक है, उसके बाद मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड देखी थी। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड देखी थी। ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड देखी थी, उसके बाद हमने विलेज रोड देखी थी। तो ये सारी जो क्लासिफिकेशन है ये किसने दी है? IRC ने। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है कि नेशनल हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे क्या होता है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, विलेज रोड क्या होता है। ठीक है, तो हम फिर से ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल हाईवे से। नेशनल हाईवे को हम NHP बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि नेशनल हाईवे जो है ये मेन रोड्स होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास मेजरली रन करती हैं लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, मतलब मैक्सिमम जो है हमारे पास नेशनल हाईवे पाई जाती हैं हमारे कंट्रीज में। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट करती हैं? जो भी अपनी कैपिटल्स हैं स्टेट्स की उसको कनेक्ट करती हैं, और जो पोर्ट है, पोर्ट मतलब आपको पता है जहाँ पे शिप्स वगैरह रुकती हैं वो, उसको कनेक्ट करती हैं। जो बड़े बड़े शहर हैं उनको कनेक्ट करती है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, और फॉरेन हाईवे जो हैं उनको ये कनेक्ट करती हैं, ये नेशनल हाईवेज। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें नेशनल हाईवेज की, तो इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है। नेशनल इंपॉर्टेंस मतलब, नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया कि जो नेशनल लेवल पे जो बड़े बड़े काम होते हैं उनके लिए ये मोस्टली यूज होती है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर पर्पसेस। ठीक है, ये काफी सारे पर्पसेस के लिए यूज होती है, बड़े बड़े पर्पसेस के लिए। जैसे कि इसमें एग्जांपल अगर हम बात करें तो नेशनल हाईवे 34 इसकी एग्जांपल है, नेशनल हाईवे 31 इसकी एग्जांपल है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको नेशनल हाईवे के बारे में पता चल गया होगा कि ये नेशनली मतलब जो मेन मेन सिटीज हैं उनको कनेक्ट करती है, और इसकी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, मतलब जो मेन काम है उनके लिए यूज होती है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक, कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कोई वर्क होगा,
होगा या फिर अदर इंपॉर्टेंट वर्क के लिए हम इसको नेशनल हाईवे को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्टेट हाईवेज। अगर हम स्टेट हाईवेज की बात करें तो इसको हम SHV लिख सकते हैं। तो स्टेट हाईवे जो है ये स्टेट में ही जो रोड्स होती हैं ये होती हैं, ठीक है। ये कनेक्ट करती हैं किसको, कनेक्ट द इम्पोर्टेंट सिटीज एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद इन द स्टेट, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये रोड्स जो है विद इन द स्टेट चलती हैं। जैसे कि हमने नेशनल हाईवे की बात की थी वो ओवरऑल द कंट्री चलती हैं, पूरे कंट्री में चलती हैं, लेकिन जो ये स्टेट हाईवेज हैं ये खाली स्टेट में ही चलती हैं। स्टेट की जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं और स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो उनको जोड़ती है, ठीक है। इसको हम प्रोविंशियल हाईवे भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल हाईवे भी बोलते हैं, क्योंकि जो स्टेट या फिर प्रोविंस में ये रोड्स चलती हैं इसलिए हम इसको प्रोविंशियल हाईवेज भी बोलते हैं। तो इसमें स्टेट हाईवे 7 इसकी एग्जांपल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR इसको हम बोल सकते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होती है, जो डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं और जो मेजर रोड्स डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट रोड्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोड्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास रोड्स होती हैं इंपॉर्टेंट रोड्स जो सर्व करती हैं एरिया प्रोडक्शन एंड मार्केट्स एंड कनेक्टिंग दीज विद अदर विद द मेन हाईवेज, ठीक है, मेन हाईवेज के साथ ही कनेक्ट होती है, इसे हम बोलते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स की अगर हम बात करें तो ये भी डिस्ट्रिक्ट की रोड्स होती हैं, लेकिन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होगी जो मेन मेन रोड है जो डिस्ट्रिक्ट की जो मेन मेन सिटीज है उसको कनेक्ट करती है। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में जो सिटी जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा उसकी जो स्मॉल स्मॉल सिटीज है उनको कनेक्ट करती है। तो हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, द रोड्स सर्विंग रूरल एरियाज, ठीक है। ये रोड्स जो है डिस्ट्रिक्ट के जो रूरल एरियाज होते हैं गाँव देहात के एरिया है उसको कनेक्ट करती है, ठीक है। उसकी जो प्रोडक्शन एंड कनेक्टिंग देम विद द आउटलेट टू मार्केट सेंटर, जो मार्केट सेंटर है उसके साथ कनेक्ट करती है, तालुका हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट करती है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स या फिर अदर मेन रोड के साथ ये कनेक्ट होती है रोड्स, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ठीक है। मतलब मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होगी, जो मेन मेन सिटीज की रोड है, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड कौन सी होगी, जो डिस्ट्रिक्ट में ही रोड्स होती हैं लेकिन वो गांव को भी कनेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है विलेज रोड्स, जो IRC की क्लासिफिकेशन है इंडियन रोड्स की वो है विलेज रोड्स, ठीक है। विलेज रोड्स की अगर हम बात करें, विलेज रोड्स क्या होता है, द रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस, ठीक है। सिंपली जो रोड विलेज को कनेक्ट कर रही हैं, हर एक गांव के घर को कनेक्ट कर रही हैं, उसे हम बोलते हैं विलेज रोड्स, ठीक है। या फिर बहुत सारे गांव को जोड़ रही हैं एक साथ, ठीक है, उसको हम विलेज रोड्स बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं विद द नीरेस्ट रोड ऑफ द हाई कैटेगरी, ठीक है। मतलब जो भी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड से जो रोड्स हमारे पास जो होती हैं जो विलेज को कनेक्ट करती हैं या फिर हर एक गांव को कनेक्ट करती है उसे हम बोलते हैं विलेज रोड्स, ठीक है। आई होप आपको ये वाली जो रूरल रोड्स थी या फिर हम बोल सकते हैं नॉन अर्बन रोड्स के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप की क्लासिफिकेशन इसमें है हमारे पास अर्बन रोड्स की। जैसे कि हमने पीछे ही बताया था कि एक रूरल रोड्स होती हैं एक अर्बन रोड्स होती हैं, ठीक है। तो रूरल रोड्स होगी मतलब जो हमारे पास गांव की जो रोड्स होती हैं उनको हम बोल सकते हैं गांव, ऐसे गांव नहीं बोल सकते। रूरल रोड में हमारे पास नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे सारी आ जाती हैं, लेकिन मतलब जो हम बोल सकते हैं माइनर सिटीज वाली जो रोड्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रूरल रोड्स। अर्बन रोड्स में हमारे पास जो अर्बन सिस्टम अर्बन एरियाज में जो रोड्स होती हैं उसको हम बोलते हैं अर्बन रोड्स, ठीक है। अर्बन रोड्स की क्लासिफिकेशन अगर देखें तो वो हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं वो हम देखने वाले हैं आज इसकी क्लासिफिकेशन अर्बन रोड्स की, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है एक्सप्रेसवेज, ठीक है। एक्सप्रेसवेज इसमें आ जाती हैं किसमें, अर्बन रोड्स में, ठीक है। एक्सप्रेसवेज की बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सप्रेसवेज है ये, ठीक है, ये एक्सप्रेसवेज है। तो एक्सप्रेसवे क्या होता है, द पोर्शन ऑफ रोडवे ऑफ एन अर्बन रोड रिजर्व्ड फॉर यूज ऑनली बाय हाई स्पीड और पावर ड्रिवन व्हीकल्स। मतलब ऐसी एक्सप्रेसवे ऐसी रोड होती है जहां पे खाली हाई स्पीड व्हीकल्स के लिए ही अलाउ किया जाता है। मतलब वहां पे क्या करती है, जो व्हीकल्स होती हैं वो हाई स्पीड व्हीकल्स रन करती हैं।
ठीक है, एंड या फिर हम बोल सकते हैं पावर ड्रिवन व्हीकल, तो उसमें जो हमारे नॉर्मल कार्ट हैं या फिर छकड़े वगैरह बैलगाड़ी वगैरह वो नहीं चलती हमारे पास एक्सप्रेस वेज पे। एक्सप्रेस वेज पे खाली हाई स्पीड व्हीकल चलते हैं। कौन कौन से व्हीकल चलते हैं? हाई स्पीड व्हीकल्स, हाई स्पीड व्हीकल्स, और इसके बाद आर लिखा है पावर ड्रिवन व्हीकल, मतलब जो पावर से चलते हैं, डीजल वगैरह से चलते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जिनकी स्पीड हाई रहती है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं एक्सप्रेस वे। ठीक है, एक्सप्रेसवे को हम मोटरवे भी बोलते हैं एक्सप्रेसवे को, एंड इसको हम सुपर हाईवे भी बोलते हैं। सुपर हाईवे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो व्हीकल्स हैं हमारे पास वो हाई स्पीड से चलती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास जो अर्बन रोड्स हैं उसकी क्लासिफिकेशन थी एक्सप्रेसवे। आगे और भी इसकी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे अर्बन रोड्स की। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है अर्बन रोड की क्लासिफिकेशन में हमारे पास आर्टेरियल रोड। ठीक है, आर्टेरियल रोड की अगर हम बात करें, आर्टेरियल रोड क्या होती है, तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा आर्टेरियल रोड क्या होता है। हम देख लेते हैं, दीज आर द स्ट्रीट्स प्राइमरली फॉर ए हाई ट्रैफिक। ठीक है, ये कुछ स्ट्रीट्स होती हैं, जैसे मतलब कुछ जो सिटीज में गलियां टाइप की हम बोल सकते हैं स्ट्रीट्स होती हैं, जो हाई ट्रैफिक के लिए यूज होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी ट्रैफिक है, तो हाई ट्रैफिक के लिए ये यूज होती हैं, एंड कंटिन्यूअस रूट ये होता है हमारे पास। ठीक है, आर्टेरियल हैव ए हायर लेवल ऑफ ट्रैफिक मोबिलिटी, मतलब सिंपली इसकी जो ट्रैफिक मोबिलिटी रहती है बड़ी हाई रहती है, इसमें बहुत सारी ट्रैफिक रहती है। सिटीज में आपने देखी होंगी इस तरीके की रोड्स आपने देखी होंगी। ठीक है, उसके बाद है सब आर्टेरियल रोड। ठीक है, सब आर्टेरियल रोड में हमारे पास कैसी रोड्स आ जाती हैं, हम देख लेते हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, दीज रोड सर्व द सेम पर्पज एज एन आर्टेरियल रोड। जैसे कि आर्टेरियल रोड है, जैसे आर्टेरियल रोड काम करती है वैसे ही ये वाली रोड भी काम करती है, लेकिन इसमें जो ट्रैफिक रहती है वो थोड़ी सी लोअर ट्रैफिक रहती है। ठीक है, जो आर्टेरियल रोड है, जो हम मैंने ऊपर बताई कि आर्टेरियल रोड है, इसके मुकाबले में जो सब आर्टेरियल रोड है इसकी ट्रैफिक जो है थोड़ी सी कम रहती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सब आर्टेरियल रोड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कलेक्टर स्ट्रीट्स। ठीक है, ये भी अर्बन रोड की टाइप है कलेक्टर स्ट्रीट। कलेक्टर स्ट्रीट्स का मतलब होता है, हम देख लेते हैं, कलेक्टर स्ट्रीट्स प्रोवाइड एसेस टू आर्टेरियल स्ट्रीट्स। ठीक है, जो आर्टेरियल स्ट्रीट तक अगर हमने जाना हो तो हमें कलेक्टर स्ट्रीट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फ्रॉम एंड टू द लोकल स्ट्रीट्स। ठीक है, लोकल स्ट्रीट्स मतलब मान लेते हैं, हम बात कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं फिर हम पूरा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है लोकल स्ट्रीट्स। लोकल स्ट्रीट्स की अगर हम बात करें तो ये आगे मतलब जो लोकल जो गलियां होती हैं वो आगे। लोकल स्ट्रीट्स प्रोवाइड एसेस टू एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी, जो एडजॉइनिंग प्रॉपर्टी है उसमें जाने के लिए हमें लोकल स्ट्रीट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दीज स्ट्रीट्स डू नॉट कैरी ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक को ये कैरी नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी किसकी, जो भी अर्बन रोड थी उनकी क्लासिफिकेशन थी। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो एक्सप्रेसवे की बात की हमने। ठीक है, तो एक्सप्रेसवे जो हमारे पास थी उसमें हम यूज करते थे हाई स्पीड व्हीकल्स। ठीक है, हाई स्पीड व्हीकल्स उसमें यूज होते थे। उसके बाद हमने बात की आर्टेरियल की, आर्टेरियल की बात की तो उसमें हाई ट्रैफिक के लिए हम उसको यूज करते थे आर्टेरियल के लिए। ठीक है, और सब आर्टेरियल की बात करें, सब आर्टेरियल की बात करें तो उसको हम थोड़ी सी लो ट्रैफिक होती थी इन कंपैरिजन टू आर्टेरियल। ठीक है, एंड उसके बाद हम बात करें जो लोकल स्ट्रीट की बात, सॉरी हम बात करें किसकी, कलेक्टर स्ट्रीट्स की बात करें, तो कलेक्टर स्ट्रीट्स क्या काम करती थी, कलेक्टर स्ट्रीट्स जो काम करती थी वो जो भी ट्रैफिक होती थी लोकल स्ट्रीट की उसको कैरी करके उसको सब आर्टेरियल में ले जाना। ठीक है, देन हमारे पास होती थी लोकल स्ट्रीट्स। लोकल स्ट्रीट्स क्या करती थी, लोकल स्ट्रीट्स जो कैरी करती थी जो पर्सन का जो घर था वहां से पर्सन को कैरी करना कलेक्टर स्ट्रीट में ले जाना। कलेक्टर स्ट्रीट का क्या काम था, आर्टेरियल स्ट्रीट में ले जाना, आर्टेरियल का सब आर्टेरियल का आर्टेरियल में एंड आर्टेरियल का एक्सप्रेस वे में। ठीक है, मतलब ये सबसे बड़ी हमारे पास रोड्स हैं, इसके बाद ये वाली, इसके बाद ये वाली, इसके बाद ये वाली और इसके बाद ये वाली। ठीक है, तो ये फ्लो भी आपको रिमेम्बर कर लेना है, किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि आप इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो ये सबसे है, ये है बिगर नंबर। ठीक है, ये है बिगर इन कंपैरिजन टू ट्रैफिक वॉल्यूम, ट्रैफिक डेंसिटी, स्पीड। ठीक है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा चीज है। ठीक है, आई होप ये जो क्लासिफिकेशन है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।